Hello children, today in this class we are going to study about past continuous tense. We can say past progressive tense also. First of all, I would like to tell you the identification of this tense. At the end of Hindi sentence, the words raha tha, rahe the, rahi thi comes. Dear students, हिंदी वाक्यों के अंत में यदि रहा था, रहे थे, रही थी इस तरह के शब्द आते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, स्टूडेंट्स, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट. नाउ he, she, it, name. Yes, students, I, with I, you should use was helping verb in this tense. इस tense में आपको I के साथ was helping verb का use करना है. यू के साथ में वर, यू के साथ में वर, वी के साथ में वर, दे के साथ में वर एंड प्लूरल के साथ में वर, ही के साथ में वोस, सी के साथ में वोस, इट के साथ में वोस एंड नेम उसके साथ में. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इफ आई से मैं, विद्यालय जा रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था, रहा था, रहा था, दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं विद्यालय जा रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस. आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल. आई वॉज सब्जेक्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, going is verb first form plus ing, to preposition and school object. मैं विद्यालय जा रहा था, I was going to school, affirmative sentence. मैं स्कूल नहीं जा रहा था, I was not going to school. I was not going to school. मैं विद्यालय नहीं जा रहा था. Affirmative sentence, negative sentence. क्या मैं स्कूल जा रहा था? Was I going to school? Was I going to school? क्या मैं स्कूल जा रहा था? इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इंटरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. डियर स्टूडेंट्स, वह एक गीत गा रहा था, वह एक गीत गा रहा था, रहा था, दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस.
वहां एक गीत गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां एक गीत गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, वहां एक गीत नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वहां एक गीत गा रहा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वहां एक गीत नहीं गा रहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां एक गीत गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां एक गीत नहीं गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वहां गीत गा रहा था, वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गा रहा था, क्लियर, मैंने कहा शे पेड़ के नीचे, शे पेड़ के नीचे सो रहा था, शे पेड़ के नीचे सो रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, द लॉयन वॉज स्लीपिंग, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अफर्मेटिव सेंटेंस, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, पेड़ और शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, द लॉयन वॉज देन यूज नॉट, शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, द लॉयन वॉज नॉट स्लीपिंग अंडर अ ट्री, क्लियर, क्या शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन सब्जेक्ट वॉज द लॉयन स्लीपिंग अंडर अ ट्री, क्या शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, वॉज द लॉयन नॉट स्लीपिंग अंडर अ ट्री, डियर स्टूडेंट, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अब यदि इसका नेगेटिव करता हूं, शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, तो क्या होगा, द लॉयन वॉज नॉट, द लॉयन वॉज नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, क्लियर, द लॉयन वॉज नॉट स्लीपिंग अंडर अ ट्री, शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, इंटरोगेटिव, क्या शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, देन हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लेना है, वॉज द लॉयन sleeping under a tree and was the lawyer not sleeping under a tree, clear, dear friends, वह खाना पका रही, वह खाना पका रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस, रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वह खाना पका रही थी, सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी,
वह खाना नहीं पका रही थी. She was not cooking food. क्या वह खाना पका रही थी? Was she cooking food? क्या वह खाना नहीं पका रही थी? Was she not cooking food? This means, if I use WHO, मैंने कहा वह खाना क्यों पका रही थी, वह खाना क्यों पका रही थी, तो क्या होगा? क्यों के लिए क्या यूज करेंगे WH word? Why was she cooking food? वह खाना क्यों पका रही थी? क्लियर? मैं कहूं मैं क्रिकेट खेल रहा था. I was not playing cricket. मैं हंस रहा था. I was not laughing. क्या मैं हंस रहा था? Was I not laughing? Dear students, tomorrow I will teach you another topic. Till then, goodbye. Thank you.